ऐसे प्रोजेक्ट में आधा लीटर, इसमें देखते कितना चलती है। डिसअपॉइंटमेंट सच में बहुत बुरा होला। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो भी नया फटाक से चैनल चेकआउट करो और पसंद आए तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ये पानी कौन उड़ाया पे साला फोन रे इधर। सो आज अपन इसका माइलेज निकालेंगे, मज़ा आएगा भाई। लास्ट टाइम निकाला था तब कितना दिया था वो जाके चेक कर लेना आप। इस बार कुछ अलग देगा, टॉप स्पीड में भी बहुत डिफरेंस आया। तो मैं बता दूं कि अपने बाइक का आवाज़ क्यों आ रहा था, उसका रीज़न है भैया अपने इसमें पूरा सिस्टम लगा है, फुल सिस्टम। एससी प्रोजेक्ट है विथ डीबी किलर, आई मीन डीबी नहीं कैनलेटिक कन्वर्टर है, वो इंस्टॉल करो यार। ये टिप बताना भूल गया था जब मैं इंस्टॉल कर रहा था तब। सो आज इस पर अपन ट्राई करेंगे कि कितना चलती है ये एक लीटर में। आई मीन मैं पूरा वन लीटर डाल के नहीं ये करूँगा, आधा लीटर कैरी किया इधर से। और इधर एक चीज़ देखना, ये कंटेनर मैंने पहली बार देखा है लोड होते हुए, मतलब फ्यूल अप के लिए। इसके पहले तो ऐसे नॉर्मली ट्रक दिखता था, बट आज वो देख लिया, चलो कुछ तो अलग मिला। सो लेट्स गो। R15 M है ये, 2023 है बट 2024 ही बोलता हूँ क्योंकि दिसंबर में लिया ऐसे प्रोजेक्ट। सो पहले इसमें का जो फ्यूल है वो ख़त्म करना पड़ेगा। लास्ट टाइम भाई मैं सीधा गणेश खिंड का उस पार गया था, आई मीन लास्ट का जो रिकॉर्ड था वो 40 प्लस था। आई थिंक आज कितना देगा माइलेज आई डोंट नो, बट मेरे को जितना लग रहा है कि ज़्यादा देना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने पिलियन के साथ किया था, इस बार विदाउट पिलियन है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि 48 के अराउंड देना चाहिए। लास्ट टाइम 40 अवॉइड दिया था, 45 के अवॉइड दिया था, बट जाके वीडियो चेक कर लेना मेरे चैनल पर तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है। आज बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रैफिक है, आई डोंट नो बिजी क्यों है, और मैं पहली बार इतना जल्दी उठा हूँ और व्लॉग शूट कर रहा हूँ। नहीं तो इसका पहले तो मैं जस्ट ऐसे ही किधर राइड पे चलना है तब। और एक चीज़ है, इसमें रिस्क बहुत है, ये फ्यूल टेस्टिंग में इतना रिस्क है कोई मतलब ये बताता नहीं है। बट ये BS7 का है, मतलब BS7 है तो मैं बता दूंगा आपको कि क्या प्रॉब्लम आता है, ये टेस्ट क्यों इतना मतलब रिस्की होता है, तो वो आखिरी में बताऊंगा, तो आखिरी तक जुड़े रहना। अभी पहले निकलते हैं भाई, ये फ्यूल कब ख़त्म होगा वही नहीं समझ रहा। मैं 2 दिन से चला रहा हूँ 150 का फ्यूल है भाई, मिडिल क्लास हूँ मैं, 150 ही क्या डालूंगा मैं, क्यों ज़्यादा डालूँ। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना इधर का नगर पालिका का, ये लगभग मैं जब से मतलब हॉस्टल में था तब से ऐसा ही है, मतलब कितना साल हुआ है उसको, 5 से 7 साल हुआ है ये ऐसे ही स्टार्ट किया हुआ, अब तक नहीं ख़त्म हो रहा है। थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए था बट तुम्हारे भाई का आलसी बना, यू नो आलसी आलसी भाई, यही इतने ही जल्दी उठ के मैं बाहर आ जाऊँ यही बहुत है मेरे लिए। तो गाइज आज कितना माइलेज मिले, आज मतलब माइलेज कितना मिलेगा वो एक चीज़ बताना आप, कमेंट में बता देना, गेस करो पहले ही कि इतना इतना देगा भाई माइलेज। लास्ट टाइम 45 प्लस दिया था, इस बार कितना देगा, यू नो कितना देना चाहिए। मेरे को ऐसा 48 आई नो 48 के आसपास तो देना चाहिए, अब बताओ गाइस कितना देना चाहिए। गाइस ये नया फ्लाईओवर बना है, बट फ्लाईओवर देखो कैसा है, नया ही है, देखो कितना बम्प्स है। अरे भाई नगर पालिका तुम ये रोड के लिए 7 साल ले रहे हो, शर्म आ रही है,
दिखने में तो इतना मस्त लग रहा है, बट जो चला रहा है ना, देखो ये बम्स देखो क्या यार। और आज के बादल, आज मौसम ठीक ठाक है, मतलब धूप तो है भाई, समर स्टार्ट है, तगड़ा समर पड़ रहा है। भाई इधर से अंदर जाता है क्योंकि इसका फ्यूल कुछ जल्दी ख़त्म नहीं हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि फ्यूल निकाल देते हैं। तो भाई देखो इतना कब ख़त्म होता, मैं नासिक साइड में चले जाता पूरा, तो भाई ने हेल्प किए, थैंक्स। तो अभी ये निकाला है, अभी ये आधा लीटर जो कि कैरी किया है, तो अभी देखते हैं टेस्ट करके कि कितना होता है। और अभी तो भी एक दो किलोमीटर चली जाएगी आई थिंक, सो टेस्ट करता है कितना का माइलेज देगा। और बहुत झंझट है भैया यार, ज़्यादा माइलेज भी दिक्कत है, कम माइलेज भी दिक्कत है, करे तो करे क्या इंसान। चलो कर दिया भैया अपलोड, और इधर से सीधा गणेश खिंड जाता है, अपने को गणेश खिंड वो साइड में नहीं जाना है कि जाए, क्या क्या बोलते हो, उतर वो साइड से जाए या इधर से जाए, क्या करे क्या करे। खैर उधर उतर वो साइड में नहीं जाते, इधर से अपना फ्यूल ख़त्म होने पे यस सब खुश होता है जब टैंक फुल होती है, और जब ऐसा बंदा होता है जो कि माइलेज टेस्ट करता है, उसको ख़त्म होने पे ही मज़ा आता है। बहुत मतलब प्रॉब्लम होती है यार निकालने के बाद भी, देखो ये ख़त्म हुआ गाइस, ख़त्म हो रहा है पेट्रोल, ये देखो 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 देखो, खत्म गया, टाटा बाय बाय गुड बाय। ये रहा एक लीटर, एक नहीं आधा लीटर, इसमें देखते कितना चलती है, और गंदी भी काफ़ी हुई है। ओए हाय क्या खुशबू है, तो इधर ट्रिप ज़ीरो करना पड़ेगी अपने को, ट्रिप वन है जो कि 1251। ए मैं क्या कर रहा हूँ, ए बाबा इतना फंक्शन नको है रिमियार को, ये हो गया जीरो है, देखो कोई एडिट नहीं है, कोई ग्लिच नहीं है, कोई बग नहीं है, ये चेक करो इधर जीरो जीरो शून्य शून्य। चलो सब कुछ बढ़िया है, बट ये ट्रैफिक का क्या सीन है। आज इन्हें पता था कि मैं निकलने वाला हूँ मॉर्निंग में, गाइज अभी चल चुकी है 16 किलोमीटर, 16 × 2 कितना होता है 32, मतलब 32 का तो एवरेज दे चुकी है, अभी थोड़ा मिस मार रही है, और भी लगभग चलेगी थोड़ी मतलब लगभग और 2 किलोमीटर चल जाए। डिसअपॉइंटमेंट सच में बहुत बुरा होला, बट एक चीज़ है कि मैंने भगाया भी उतना, ये देखो बंद हो गई, हैंग फिर से चालू हुए, फिर से बंद हो गई, चल रही है भाई आवाज देखो। ये देखो कैसे मिस मार रही है, ये देखो थ्रॉटल ही नहीं पकड़ रही है, ये देखो शायद खत्म। ये चेक करो न्यूट्रल कर रहा हूँ, ये देखो वी गाइस। चलो ऐसे प्रोजेक्ट है, शायद आप ख़त्म होगा भाई, ख़त्म विली पॉइंट पे ही ख़त्म हुआ है, ये देखो दी एंड संपल, दी एंड हुआ 80.2। ओह क्या मस्त है, ट्रैवलर की है कोई, तो अब क्या करे 80.2। एक सेकेंड
फिर से स्टार्ट हो गई। अरे ये दूसरी बार है ऐसा करने का, क्या ये? चलो आज का माइलेज निकला है 19 मल्टीप्लाई बाय 38 का माइलेज दिया है, मतलब पूरी भगाता हुआ लाया हूँ मैं। ऐसा नहीं कि भाई आराम आराम से, अगर आराम आराम से लाऊंगा तो वो दे देगी भाई, आराम से दे देगी 45, बट अलग है। सो इसमें मेन रीज़न मैंने वही बोला कि इंजन मतलब अपना जो सर्विसिंग होती है उस पर सब खेल है और अपने चलाने पर है। अगर तुम मेरे से संकी हो जो भगाते रहता है तो माइलेज कौन सी बाइक देगी, प्लैटिना भी हक देगी भाई सच में। तो चलो अभी मैं फिल डालता हूँ और आज का व्लॉग इधर ही दी एंड। अच्छा वो इतना थोड़ा बचा था। आज का व्लॉग कैसा था गाइज बताना ज़रूर, और बहुत धूप हो चुकी है, मैं भी घर पे जाऊँगा आराम से सोऊँगा। आप भी खाओ पियो और आइस करो मित्रों। तो चलो आज का व्लॉग इधर ही खत्म होता है, तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खाते पीते रहो और मस्त सायोनारा। वेट गाइज लास्ट बात बताने की रह गई कि इसमें रिस्क ही होता है, वो चीज़ भूल गया था मैं, तो ये क्लिप पहले ही ऐड कर दूंगा, नहीं बाद में जो होगा वो होगा। तो भाई फ्यूल इंजेक्टर रूट जाता है, तो ये आप ट्राई मत करना, ये रिस्क लेके कर रहा हूँ मैं, दैट्स व्हाई। तो चलो इस बार सच में सायोनारा, बाय बाय, मिलता हूँ किसी और व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में बोले तो। चलो बाय बाय।